हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आइए देखते हैं आज सुबह आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके व्यूवर्स, जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है और टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को देख सकते हैं जिसकी भी करंट ट्रू फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं आज सुबह की। यह हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ सोर्स स्ट्रेंथ जजमेंट, द सन 4 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन आज सुबह आपकी फ्रेंडशिप को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को बहुत मिस कर रहे हैं जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे। ये उन पलों को याद करके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ थीं, ये हंसते मुस्कुराते रहते थे, बट अब जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं इनकी लाइफ ना सूनी सूनी सी हो गई है। आपको उस सूरज की तरह देखते हैं जो सबकी ज़िंदगी में रोशनी लाता है, खुशियाँ लाता है। इनको भी ऐसा लग रहा था आज सुबह कि जैसे कि इनका सूरज तो निकल ही नहीं रहा है, इन्हें उस सूरज के दीदार ही नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने खुद ही अपने आप से आपको दूर कर दिया है और आप चाहते हैं जजमेंट, और ये पर्सन भी चाहते हैं कहीं ना कहीं जजमेंट हो आपके साथ में, क्योंकि ये पर्सन आपकी सारी ही ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसे रूप में देखते हैं आपको कि जैसे कि आप इनके लिए ना एक ऐसी विश हैं जिसको पाना इनके लिए ख्वाब सा है, ये आपको पा नहीं सकते, इसीलिए शायद ये ब्रेकअप करके चले गए हैं इस रिलेशनशिप से। बट इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए काफ़ी सारी ऐसी ट्रू डीप फीलिंग्स हैं ना, जिसकी वजह से ये आपको ना अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। और इस पर्सन में स्ट्रेंथ की भी काफ़ी कमी हो सकती है, इस पर्सन में वो हिम्मत नहीं है कि ये आपका हाथ थाम सके या फिर आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दे सके। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके काबिल नहीं है, ये आपके लायक नहीं है, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग भी की है। इस चीज़ का भी इनको काफ़ी अफसोस है कि इन्होंने जो कुछ भी कर दिया है ना वो बहुत ही गलत था, और आप इनसे चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को ठीक करें, फिर से इस रिलेशनशिप को पहले जैसा कर दें। तो ये पर्सन हिम्मत बटोर रहे हैं आपके साथ आने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और ये पर्सन जब से आपसे ब्रेकअप हुआ है ये बिल्कुल टूटकर बिखर से गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ना ये इनकी सारी गलती इन्हीं की है और आप तो बिल्कुल इनोसेंट थे, आपने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में हुआ है ना ये अपने आप को ही उसका कसूरवार ठहराते हैं, कसूरवार मानते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इन्हीं की गलतियों की वजह से आप दोनों अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। बट इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है कि आपका हाथ थाम सके या आपको कमिटमेंट दे सके। ये हिम्मत पैदा कर रहे हैं, अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने करियर को बनाने में लगे हैं, क्योंकि इनका करियर भी मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ठीक नहीं है, और ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ना ये काफ़ी प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आज सुबह भी ये प्लानिंग कर रहे थे कि आपसे बात की जाए, आपको देख लिया जाए। ये पर्सन एक नज़र आपको देखना चाहता है दूर से ही सही, भले ही आपकी इनसे बात ना हो, बट ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपका दीदार करना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं दिली दिल में आपको बहुत पसंद भी करते हैं, बट इस पर्सन में ना इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर सकें, इसीलिए इस पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया है। बट इस पर्सन को बहुत दुख है इस चीज़ का, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को यकीन भी है कि आप दोनों ना एक दिन मिलेंगे और आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप है ना पहले की तरह बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप दोनों की रिलेशनशिप में ना काफ़ी सारी हैप्पीनेस आएगी, आप दोनों बहुत खुश होंगे एक साथ। और आज सुबह भी इस पर्सन को ना काफ़ी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के जीवन में। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह आपके पर्सन ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, आप इनके दिल और दिमाग में चल रहे थे, इनके माइंड में चल रहे थे और ये आपको काफ़ी मिस कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।